नमस्कार दोस्तों। भीमा कोरेगांव को लेकर जो महाराष्ट्र पुलिस ने, पुणे पुलिस ने अलग अलग जगह पर रेड्स मारी हैं, जिसमें अब तक 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, उन गिरफ्तारियों पर यह ब्लॉग है। मगर उससे पहले मेरे दोस्त आलोक श्रीवास्तव का एक शेर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। ले गया दिल में दबाकर राज कोई, पानियों पर लिख गया आवाज कोई, बांध कर मेरे पैरों से, बांध कर मेरे परों से मुश्किलों को, हौसलों को दे गया परवाज कोई। इसके मायनों को समझिए दोस्तों। हमारे देश में मजलूमों की आवाज उठाने वाले लोग बहुत कम हैं, गरीबों की आवाज उठाने वाले लोग बहुत कम हैं। मगर हां, जो लोग उनकी आवाजें उठाती हैं, उनके रास्तों में रोड़े मचाने वाले, उनकी रास्तों में मुश्किलें पैदा करने वाले लोग ढेरों हैं। भीमा कोरेगांव में जो हुआ है, इसमें किन लोगों को गिरफ्तार किया गया है? 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 9 लोगों पर रेड मारी गई है। यह बात अलग है दोस्तों कि इनमें से एक गौतम नौलखा, इसको लेकर जब पुणे पुलिस ट्रांजिट पे गई तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, और मैं यहां कोट करना चाहूंगा, द दिल्ली हाईकोर्ट स्टेड अंटिल वेंसडे द ट्रांजिट रिमांड फॉर सिविल लिबर्टीज एक्टिविस्ट गौतम नवलखा, वन ऑफ द 5 अरेस्टेड बाय पुणे पुलिस, ऑब्जर्विंग, और कीजिएगा, ऑब्जर्विंग दैट द पुलिस हैव नॉट बीन एबल टू सैटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन द ऑफेंस ही हैड बीन अरेस्टेड फॉर। यह बात कोई और नहीं बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है कि जिस मुद्दे के लिए गौतम नवलखा को अरेस्ट किया गया है, वो पुणे पुलिस सही ढंग से नहीं बता पाई। यही नहीं, कल रात को 1:25 पर सीजीएम फरीदाबाद ने अपने ऑर्डर पास किए और यह कहा कि सुधा भारद्वाज को उनके घर में रखा जाएगा, पुलिस की हिरासत में नहीं, घर में रखा जाएगा, जब तक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट अपना अंतिम आदेश ना दे दे। दोस्तों, आरोप क्या है इन लोगों पर? इन पर आरोप है कि भीमा कोरेगांव हादसे के जरिए इनके माओवादियों के साथ लिंक्स थे। बहुत गंभीर आरोप है, इनको एक तरह से आतंकवादी बता दिया गया। और यही नहीं, सबसे संगीन आरोप इन पर यह आरोप है कि ये प्रधानमंत्री की हत्या करना चाहते थे। आप मुझे एक बात बताइए, हो सकता है आप लोगों में से कई लोग मोदी भक्त हों, इस सरकार के भक्त हों। मुझे एक बात बताइए, पुलिस कुछ लोगों को अरेस्ट करने जा रही है जिन पर आरोप है प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश में शामिल होने का, और अदालत क्या टिप्पणियां कर रही है एक नहीं दो मामलों में कि पुलिस की तैयारी नहीं है। और अब जो खबर आ रही है ये कि जब अदालत ने कहा था कि आपकी जो पूरी चार्जशीट है मराठी में है, आप उसका ट्रांसलेशन मुहैया कराएं, तो ये ट्रांसलेशन तक उनके पास नहीं था। आप देख रहे हैं आरोप कितने संगीन हैं, मगर पुलिस की कोई तैयारी नहीं दिख रही है। गौर कीजिएगा इस बात पर, आरोप इतने संगीन मगर पुलिस की कोई तैयारी नहीं है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, माओवाद के नाम पर, प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश के नाम पर यह मजाक नहीं किया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है? मैं इन सब के बारे में एक एक करके बात करूंगा, मगर सबसे पहले मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में दलितों, मजलूमों, पिछड़ों की आवाज, उन आदिवासी औरतों की आवाज जो छत्तीसगढ़ की के जंगलों में रहती हैं, क्या उनकी आवाज उठाना एक गुनाह है? क्या उनकी बात करना एक अपराध है? क्योंकि चाहे सुधा भारद्वाज हो, चाहे गौतम नवलखा हो, चाहे वरवरा राव हो, ये तमाम वो लोग हैं जो इनकी आवाज उठा रहे थे। और आज आप खुद से सवाल पूछिए, भीमा कोरेगांव में जो हिंसा हुई थी उसमें शिकार कौन था? बताइए कौन शिकार था उसमें? मारे कौन गए थे? दलित मारे गए थे। आरोप किस पर था? संभाजी भिड़े, वो शख्स जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना गुरु मानते हैं। क्या संभाजी भिड़े को गिरफ्तार किया गया? बताइए, क्या संभाजी भिड़े को गिरफ्तार किया गया? नहीं किया गया गिरफ्तार, मगर
उन लोगों को गिरफ्तार किया गया जो उन दलितों के वकील थे, उनके समर्थक थे, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या यह देश में अराजकता का राज है? क्या इस देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है? सवाल यह कि भूईमा कोरेगांव में जो हिंसा होती है उसमें दलित मारे जाते हैं, उसके बाद जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है। फिर आप क्या करते हैं कि भाई हम दलित एक्टिविस्ट को गिरफ्तार तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? हम उन्हें आतंकवादी बता देंगे, हम उन्हें माओवादी बता देंगे। इनकी सोच देखिए, सोच कितनी चालाक है। उन्हें आप माओवादी बता दो, उन्हें आतंकवादी बता दो, जाहिर सी बात है जनता तो आपके साथ हो ही जाएगी। जनता को फिर यह मतलब नहीं है कि ये तमाम लॉयर्स उन मजलूमों, उन औरतों, उन पिछड़ों, उन दलितों के पक्ष में अपनी जिंदगी में संघर्ष करते रहे हैं, उनके लिए क्या मायने रखता है? उनके लिए मायने रखता है कि आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। मैं बात करूंगा इन तमाम लोगों के बारे में जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, मगर मैं कुछ सवाल आज यहां पर करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप है। आरोप क्या है कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची गई। बहुत गंभीर आरोप है। मैं इस देश का नागरिक हूं और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा चिंता है अगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की जान के लिए खतरा बनेगा। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा चिंता है कि अगर उन्हें राजीव गांधी के तर्ज पर उनकी हत्या कर दी जाएगी, क्योंकि बार बार एक लेटर एक सरकारी पिछलग्गू, बीजेपी के एक पिछलग्गू चैनल पर एक लेटर जो है सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा था। बाकायदा इनमें से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की हत्या बिल्कुल राजीव गांधी की हत्या के अंदाज में किया जाए। तो आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, और ये सवाल मेरे न सिर्फ इस सरकार से, इस सरकार के समर्थकों से भी। पहला सवाल, ये लेटर जिसमें कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री की हत्या की जाएगी राजीव गांधी की हत्या के अंदाज में, यह लेटर तो काफी दिनों से सर्कुलेट कर रहा था, काफी दिनों से तैर रहा था। तो सवाल आपसे मेरा यह कि होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इस लेटर के सार्वजनिक होने के कई दिनों बाद मीटिंग क्यों करता है? क्या आप जानते हैं कि जब यह लेटर सार्वजनिक हो गया था उसके कई दिनों बाद मीटिंग की जाती है, और उस मीटिंग के कुछ दिनों बाद यह तय किया जाता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को और बढ़ाया जाए, यानी कि गृह मंत्रालय खुद इस लेटर को गंभीरता से नहीं लेता। यह लेटर आपके पिछलग्गू चैनल्स पर चलाया जाता है, आपके चाटुकार चैनल्स पर चलाया जाता है। कायदे से आपको पहले से ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए था, मगर जब यह लेटर सार्वजनिक हो जाता है उसके बाद गृह मंत्रालय मीटिंग करता है, क्यों करता है? यह मेरा सवाल आप लोगों से है, क्यों करता है गृह मंत्रालय इतने दिनों बाद मीटिंग? सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो आपसे, अगर यह मामला इतना गंभीर था तो इतने दिनों बाद क्यों फैसला किया गया प्रधानमंत्री की सुरक्षा को अपग्रेड करने का? और अब एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं होने वाला, अगर आपके पास जवाब है तो दीजिएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा मरहूम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। मुझे याद है दोस्तों किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी जब प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वो अंतिम यात्रा थी। वो बहुत ही मार्मिक लम्हा था, बहुत ही इमोशनल लम्हा था। मगर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं राजनाथ जी, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या राजीव गांधी के अंदाज में की जाने वाली थी, तो एसपीजी ने क्यों अनुमति दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करने की? 4 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करने की? अरे राजीव गांधी तो कुछ देर के लिए डायस से उतरकर, मंच से उतरकर नीचे आई थी, तब उस एलटीटीई की आतंकवादी ने उन्हें मार दिया था, कुछ लम्हों की बात थी। मगर हुआ क्या था दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने 4 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की थी। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या एसपीजी में अक्ल नहीं है? क्या आप मेरे देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा के प्रति जवाबदेह नहीं है?
क्या आप मोदी जी की सुरक्षा को लेकर मजाक बना रखा है आप लोगों ने? सवाल का जवाब दीजिए। 4 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और आपके पास अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, अगर आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि उन्हें राजीव गांधी के अंदाज में मार दिया जाएगा, तो आपने इस बात की इजाजत दी क्यों? बताइए मुझे, आपने इस बात की इजाजत क्यों दी? आपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर क्यों इसे खिलवाड़ बना दिया है? क्यों खिलवाड़ बना दिया आपने इसे, बताइए। सच तो यह है दोस्तों कि पिछले 4 सालों में राष्ट्रवाद के शब्द को मजाक बना दिया गया है। नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी होना गर्व की बात हुआ करती थी, मगर हर किसी को, हर किसी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करता है, जो इस सरकार से सवाल करता है, आप उसे एंटी नेशनल बता देते हैं। आपने उस शब्द का मजाक बना दिया, आपने उस शब्द की हत्या की है, यह आपका गुनाह है। और अब आप आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दे का मजाक बना रहे हैं। आप मेरे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। या तो आप झूठी खबर प्लांट कर रहे हैं, या आपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। बताइए इस गुनाह के लिए आपके साथ क्या किया जाए, बताइए क्या किया जाए इस गुनाह के लिए। अब मैं आपसे यह भी सवाल पूछना चाहता हूं, सुधा भारद्वाज, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, मैं सुधा भारद्वाज की बात करना चाहूंगा। सुधा भारद्वाज कौन है दोस्तों? सुधा भारद्वाज दोस्तों वो औरत है जो 11 साल की उम्र में अमेरिका से आती है, अमेरिकी नागरिक होती है, और 18 साल की उम्र में सुधा भारद्वाज अपनी अमेरिकी नागरिकता को त्याग देती है, अपनी अमेरिकी नागरिकता को त्याग देती है। और उसके बाद 30 साल तक ये औरत बस्तर के जंगलों में, छत्तीसगढ़ के जंगलों में घूमती रहती है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये एनआरआईज जो लंदन में बैठ के, अमेरिका में बैठकर मोदी 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 करते रहते हैं, क्या तुम्हारे दम है? क्या तुम में हिम्मत है अपनी नागरिकता त्याग करके देश में आके, उसकी जमीन में घुस के, उसकी माटी में सनकर उसकी सेवा करना? तुम में हिम्मत है सुधा भारद्वाज की? और तुम सुधा भारद्वाज को माओवादी आतंकवादी बता रहे हो? है तुम में? तुम जो अपने एसी रूम्स में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम में हिम्मत है सुधा भारद्वाज जैसी हिम्मत दिखाने की? सुधा भारद्वाज के नाखून का एक हिस्सा नहीं बन सकते हो तुम। ये वो औरत है जिसने छत्तीसगढ़ के जंगलों में 30 साल तक खाक छानी है, मजलूमों की आवाज उठाई है, और अब उस औरत को गिरफ्तार किया जाता है। मगर उस गिरफ्तारी पर मैं आपको बता दूं, सीजेएम फरीदाबाद ने रोक लगा दी है। यह कहा है कि जब तक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट अपना अंतिम आदेश नहीं दे देता है, आप सिर्फ उन्हें घर में रखेंगे। यह तैयारी है पुणे पुलिस की। यह इतने बड़े बड़े आतंकवादियों को गिरफ्तार करने आती है, मगर उनकी तैयारी तक पूरी नहीं होती। और आरोप क्या होते हैं दोस्त? आरोप ये होते हैं कि इन्होंने प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची, ये माओवादी हैं। आप इन्हें दलित एक्टिविस्ट नहीं बता सकते, क्योंकि अगर आप इन्हें दलित एक्टिविस्ट बताएंगे तो जाहिर सी बात है सियासी तौर पर यह आपके लिए नुकसान होगा। अब मैं आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में हो क्या रहा है कि जो दलित, मजलूम, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लिए लड़ रहा है, उसे तो आप जेल में डाल रहे हो, मगर जो लोग भीड़ की हिंसा में दोषी हैं, आरोपी भी नहीं दोस्तों, उसे आपके अपने मंत्री सम्मानित करते हैं। क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है कि हार्वर्ड रिटर्न, हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा ने क्या शर्मनाक काम किया था जब उन्होंने आरोपी नहीं दोषियों को सम्मानित किया था, उन्हें मालाएं पहनाई थी और बाद में उसके लिए खेद जताया था। मगर संदेश तो आपने दे दिया ना, संदेश तो इस सरकार ने दे दिया कि वो किसके साथ मौजूद हैं। क्या यह इंसाफ है? उसके बाद एक और मंत्री होते हुए बेरोजगार मंत्री गिरिराज सिंह, इनकी आंखों में आंसू आते हैं किनके लिए? दंगाबाजों के लिए, भीड़ की हिंसा में आरोपियों के लिए इनकी आंखों में आंसू आते हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं दोस्तों
कि ये किस तरह की प्रवृत्ति, ये किस तरह की सोच को इस देश में बढ़ावा मिल रहा है बार बार। आपने राष्ट्रवाद शब्द का मजाक बना दिया है, आपने आंतरिक सुरक्षा का मजाक बना दिया है, आप हर चीज को अपने सियासी फायदे के लिए तहस नहस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये देश में आपातकाल है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इनमें से कई लोग, फेरेरा, विनायक सेन, इन्हें गिरफ्तार किया गया था कांग्रेस के कार्यकाल में भी। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम राहुल गांधी ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए यह जरूर कहा है, और मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। राहुल गांधी ने कहा है, देयर इज ओनली प्लेस फॉर वन एनजीओ इन इंडिया एंड इट इज कॉल्ड द आरएसएस। शट डाउन अदर एनजीओस, जेल ऑल एक्टिविस्ट एंड शूट दोज दैट कंप्लेन। वेलकम टू द न्यू इंडिया, भीमा कोरेगांव। अच्छी बात है राहुल गांधी ने यह बात कही है, मगर हम ये ना भूलें कि आपके कार्यकाल में किस तरह से इसी तरह से एक्टिविस्ट को टारगेट किया जाता था। यानी कि जिसके हाथ में ताकत है वो दूसरों को टारगेट करता है। मगर शुक्र है कि अपनी सोच को बदलने को राजी दिख रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि आप मुख्य विपक्षी दल हैं। मगर सवाल मेरा यहां पर यह है कि ये लगातार चीजें हो रही हैं। देखिए, सवाल इन एक्टिविस्ट का नहीं है, सवाल यह भी है कि पत्रकारों को खामोश किया जा रहा है, पत्रकारों को टारगेट किया जाता है, उन्हें धमकियां दी जाती हैं, उन पर तमगे लगा दिए जाते हैं। एक तरह से एक पूरा मजाक बन चुका है। और आप जानते हैं, इंदिरा जयसिंह ने एक आर्टिकल लिखा है जिसका मैं हिंदी तर्जुमा आपको सुनाना चाहूंगा इस पूरे मामले में, इस पर गौर कीजिएगा। सुरेंद्र गाडलिंग, जिन लोगों को यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन,